दोस्तों आज किस वीडियो में जानेंगे कि मेरा राशन एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया गया और अपडेट के अनुसार अब मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन की मदद से अब आप अपने राशन कार्ड में नए मेंबर का नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकते हैं। जुड़े हुए मेंबर को आप डिलीट करना चाहते हैं राशन कार्ड में से तो डिलीट कर सकते हैं, अपना डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक महीने आप कितने राशन प्राप्त करें इसकी भी पूरी जानकारी निकाल पाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह अपने राशन कार्ड को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो राशन कार्ड को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन की मदद से मिलने वाले सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ कैसे लेंगे, किस प्रकार से मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, किस तरह से एम पिन बनाना है, कैसे आप राशन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, पूरी जानकारी पूरे बारीकी से मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन की मदद से राशन कार्ड से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको सर्च विकल्प पर क्लिक करना और यहाँ पे टाइप करना है मेरा राशन। मेरा राशन लिख के सर्च करना और इस तरह से मेरा राशन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने से पहले आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा राशन 2.0। हालांकि होगा तो इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं फटाफट से इन्हें इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरा राशन एप्लीकेशन को इस तरह से हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हैं, सिंपली आपको ओपन विकल्प पर इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ परमिशन मांगा जाएगा जिन्हें आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद कुछ इस तरह से आपको मेरा राशन इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको लैंग्वेज यानी भाषा का चयन करना है। इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड विकल्प पर क्लिक करना है। अब देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ देखिए दो ऑप्शन दिया गया है, बेनिफिशियरी यूजर या डिपार्टमेंट यूजर। तो आपको सिंपली बेनिफिशियरी यूजर पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको जो 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा एंटर करना है और लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक कर देना है। लॉगिन विद ओटीपी पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब इस तरह से लिखा आ जाएगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। आपको ओके विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। ओके विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों, आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई विकल्प पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों, इस तरह से लिखा आ जाएगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको ओके विकल्प पर इस तरह से क्लिक कर देना है। ओके विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए आपको एम पिन बनाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ क्रिएट एम पिन। अब आपको सिंपली क्या करना है, क्रिएट नो विकल्प पर इस तरह से क्लिक कर देना है। क्रिएट नो विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब यहाँ पे आपको 4 डिजिट का आपको एम पिन रखना होगा। तो जो भी आप मनपसंद एम पिन रखना चाहते हैं वो एम पिन आप यहां पे एंटर कर लीजिए और उसके बाद आपको नेक्स्ट विकल्प पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब आपको फिर से पुनः वही एम पिन आपको यहां पे री एंटर कर लेना और उसके बाद आपको सिंपली क्रिएट एम पिन विकल्प पर क्लिक कर देना है। क्रिएट एम पिन पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, इस तरह से लिखा जाएगा कि यू एम पिन कोड हैज बीन सेव्ड, यानी कि आपका एम पिन बन चुका है। अब आपको ओके विकल्प पर इस तरह से क्लिक कर देना है। ओके विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों, आपका सफलतापूर्वक एम पिन बन चुका है। अब आपको वही एम पिन एंटर करके लॉगिन करना होगा। तो आप फटाफट से एम पिन एंटर कर लीजिए। जैसे आप एम पिन एंटर करके लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आपका राशन कार्ड फेच किया जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कुछ सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों, आपके आधार अनुसार आपका राशन कार्ड यहाँ पे फेच कर लिया जाएगा और यहाँ पे देखिए आपका राशन कार्ड देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपका राशन कार्ड किस टाइप का है, अंत्योदय है या PHH है, वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद राशन कार्ड धारक का जो हेड मेंबर होगा उनका नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस देखने को मिलेगा और जो भी आपका राशन कार्ड नंबर होगा वो राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही आप अपने कौन से नज़दीकी राशन डीलर के पास जाकर राशन उठा रहे हैं उसकी भी जानकारी देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप ये राशन कार्ड PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड आइकन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके संपूर्ण सदस्यों के साथ PDF के रूप में आगे तथा पीछे दोनों तरफ का आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब इतना ही नहीं दोस्तों, राशन कार्ड से जुड़ी सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभी ये एप्लीकेशन को नया लॉन्च किया गया, तो अभी इनको जैसे लॉगिन करें तो बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है।
सबसे पहले तो लॉगिन ही नहीं हो रहे और लॉगिन करते समय ओटीपी ही नहीं आता है, और कभी कभी ओटीपी आ भी जाता है तो यहाँ पे आपका राशन कार्ड हैच ही नहीं हो पा रहे और यहाँ पे आपको अननोन देखने को मिल जाएंगे। अब राशन कार्ड से जुड़ी सभी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि नए मेंबर का नाम जोड़ना चाह रहे हैं, मेंबर का नाम डिलीट करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाह रहे हैं, तो ये जो फैमिली डिटेल्स विकल्प हैं इस पर क्लिक करके सभी सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। आप प्रत्येक महीने कितने राशन उठा रहे हैं उसकी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कोई कंप्लेन करना चाहते हैं यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं और यहाँ से उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारी सुविधाएँ दी गई है, ये जो थ्री लाइन आपको देखने को मिलेगा इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए फैमिली डिटेल देखने को मिलेगा, उसके बाद ये वाले ऑप्शन देखने को मिलेगा। अपना राशन कार्ड सरेंडर कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके सरेंडर करा सकते हैं। एक जगह से आप दूसरे जगह जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं और आप अपने राशन कार्ड को भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप आसानी से अपने राशन कार्ड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और भी यहाँ पे देखिए कई सारा सुविधा दी गई है। तो दोस्तों मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि अभी ये एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं है, हो सकता है जब आप इन्हें लॉगिन कर रहे हो तो उस समय ओटीपी का प्रॉब्लम देखने को मिले, या फिर लॉगिन हो भी जाए तो यहाँ पर राशन कार्ड फेच नहीं कर पा रहे। लेकिन अब आप मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन की मदद से राशन कार्ड से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।